के लोगों का बिल्कुल चेंज हो गया हुआ माइंडसेट, पीपल वांट टू सी डिफरेंट थिंग्स, लेकिन वही बात है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोड्यूसर ने जो पैसा लगाया उसको वापस भी तो चाहिए ना, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा। अच्छा आपने कोई बिजनेस किया कभी, आप दोनों ने आपके कोई ब्रांड्स ब्रांड्स हैं आपने कोई बनाए, क्रीम श्रीम बताए ना, लोशन? मैंने तो कपड़ों का, मेरा बहुत इधर आने से पहले मेरा बहुत अभी आने से पहले नहीं अभी आने से पहले मैं मरियम नवाज और कुलसुम आपा के कपड़े बनाती थी। यस, मेरे लिए भी पैसा बना देना है, मेरे लिए भी पैसा। फिर आपने वो बिल्कुल छोड़ दिया? फिर मैं जब मुझे कराची सेटल होना पड़ा तो मुझे वो बंद करना पड़ा अपना बिजनेस, और मैंने उसके लिए 6 माह बंद करने पर सोचा। फिर मैंने इस्तखारे किए, फिर मैंने अल्लाह से रुजू किया कि ये ना हो कि मुझे पछताना पड़े मैं चलता बिजनेस बंद कर रही हूँ। तो वो बस फिर मुझे यही समझ आई कि बंद कर देना चाहिए, तो वो मैंने बंद किया। और मैं इस फील्ड में आई तो मुझे आज तक कोई रिग्रेट नहीं, मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी सिर्फ अपेरेंस से या अपनी फिजिकल एफर्ट्स या हमारा टाइम देकर मैंने पैसा कमाया है। हमारे बिजनेस जो होते हैं ना, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है, खुद बैठना पड़ता है, रुलना भी पड़ता है, बाजारों में भी जाना पड़ता है, तो मुझे लगा उससे ये। इसीलिए आपके ना कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको शौक है और समझ है। अब पॉलिटिशियंस जो है वो पैसे देते थे। इजाज़ यहाँ फोकस करो, तुम शो को कहीं और ले जाते तो आपने कोई इनकी अच्छी बात है। मेरा था एक्चुअली, मेरा बिजनेस था बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल डिजाइनर। तो मेरा प्रोडक्ट डिजाइन मतलब ऑटोमोबाइल्स से लेकर फर्नीचर, घड़ियाँ, हर चीज जो भी इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होती है ना, वो आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में आती है। बहुत पढ़ी लिखी बात है, कोई एडवांस तो मैंने डिजाइन करवाते हैं, मुश्किल वाला है। मेरा नहीं, और मैंने आई हैड माय ओन कंपनी, इट वाज कॉल्ड द डिजाइन स्टूडियो। और मेरा ज्यादा जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो एग्जीबिशन सिस्टम और डिस्प्लेस पे थी। और उस जमाने में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ही होती थी, फैशन अपैरल फेयर होता था, टेक्सटाइल का बहुत उरूज था उस टाइम पर बहुत। और मैं मोस्टली कॉर्पोरेट काम करती थी, ऑफिस वगैरह का, क्योंकि एक आध दफा घर करने की कोशिश की तो मैरिज काउंसलर बन गई थी उस दौरान। मियाँ कुछ कह रहा है, बीवी कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रही है, लड़ाइयाँ हो रही है। मैं कहा भाई मैं इससे नहीं आई थी। तो यूके में तो बड़े काम किए होंगे ना, सफाइयाँ भी। तो अब जाहिर है घर तो वो तो वैसे भी एक ही बड़ा मस्ता है ना, जिस साइड पर मैं जाती हूँ साफ होता है वहाँ, ऑन एंड ऑफ रही हूँ, लेकिन एट अ स्ट्रेच नहीं रही। रो रो के दुआएं मांगती थी। एक रमज़ान तो मुझे याद है, वो सर्दियों का रमज़ान था और सुबह 7 बजे सहरी होती थी। ओह, बड़ा लंबा रोज। और नहीं नहीं 7 बजे सुबह सहरी और 2:30 बजे इफ्तार। इतना आसान, सर्दियाँ थी ना। लेकिन नादिया जो वो डिप्रेशन का घर था, लंदन की सर्दियाँ बहुत डिप्रेसिंग होती थी और मुझे तो रोना आता था अपनी ज़िंदगी पर, क्योंकि मेरा मियाँ तो आ रहा है ऑक्सफर्ड और रात को वापस आ रहे हैं और मैं घर में। और रात को आपने कहीं डोंट गो आउट आफ्टर डार्क, करे भाई डार्क तो दोपहर में हो गई। मैं रो रो के सजदों में, अल्लाह ने मुझे घर दाना, अल्लाह ने मुझे घर दाना, अल्लाह ने घर ले आए। अपने पाकिस्तान में ना एक अपना एक जो भी है मसाइल वगैरह, अरे यार आराम है, एक सपोर्ट सिस्टम है, आपको चाहिए होता है। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।